मैं जा रहा हूँ ग्रैंड पैलेस देखने, और रास्ते में ये बिल्डिंग आई है, और इतनी प्यारी बिल्डिंग है, इतनी सुंदर, मतलब अलग ही डिज़ाइन है इसका। तो देखते हैं इस बिल्डिंग में है क्या, इतना यूनिक डिज़ाइन। एंटर होते ही लिखा है इंक्वायरी, तो देखते हैं यहाँ क्या है। व्हाट इज दिस? लाइब्रेरी? ओके ओके ओके, यू कैन टेक अ पिक्चर एंड वॉक अराउंड। नो प्रॉब्लम। कैन दिस इज, कैन यू गो दिस साइड स्ट्रेट? ओ यू कैन, यू कैन आउटसाइड एंड गो स्ट्रेट हियर, यू सी द डॉग इन थ्रू द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन दैट्स द नेक्स्ट वन। यस, द नेक्स्ट वन। ओ, कैन आई गो इंटर? यस, इज फ्री, फ्री ऑफ चार्ज। ओके ओके ओके, दिस इज अ लाइब्रेरी एंड दिस इज एग्जीबिशन। यस ओके। इन दिस लाइब्रेरी रिलेटेड बुक्स अवेलेबल? बुक अबाउट हिंदी लोंगकोन इज अ थाई लैंग्वेज। ओ, थाईलैंड, थाई लैंग्वेज, थाई लैंग्वेज। ओके ओके ओके। यस, यू कैन लीस्ट इन रिलेटेड इन बुद्धा, बुद्धा। ओ, a little bit, little bit. Yes. Okay, okay. Okay, thank you. Thank you. You go outside and go straight ahead. And walk not far from here. You see the dog. भाई जो भी यहाँ बुक्स हैं वो सारी थाई लैंग्वेज में। ये हम अंदर आ गए हैं, और अंदर ना आके मुझे ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून उत्तराखंड में, वैसी कुछ झलक लग रही है देखने में। यहाँ हमने इंक्वायरी की, वो तो लाइब्रेरी थी, और इधर है म्यूज़ियम, और बाहर ही हम जूते उतारेंगे। और ख़ुद गेट खोल के हमारा स्वागत किया। बिल्डिंग का डिज़ाइन देखिए कितना यूनिक डिज़ाइन है, जितनी बाहर से प्यारी है उतनी अंदर से सुंदर है। और ये देखिए, ये एक संदूक की तरह बना हुआ है, और इसकी खिड़कियों पे शीशे लगे हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ है अलमीरा, अलमीरा टाइप ये कुछ संदूक हैं, और हम कह सकते हैं कि ये अलमीरा का म्यूज़ियम है। इसके पल्लों के ऊपर निकाशी देखिए, और मैं इसको खोल के देखता हूँ। इसके अंदर तो सेल्फ्स हैं। इस अलमीरा का पल्ला देखिए, इस पर बने हुए हैं डॉम, पगोडा, और इधर दीवार पे है पेंटिंग। ये देखिए, आगे जाके मैंने देखा रामायणा, आप इसको पढ़ लेना, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। और जो इस रूम में ये अलमीरा पड़ी हुई ना, और इस पर बस अब रामायणा के रिलेटेड पिक्चर कलाकृति की गई है इन पल्लों के ऊपर, कि इस पल्ले के ऊपर हाथी बनाया गया है, और ऊपर महावत है, और पीछे तीर चला रहा है कोई, और ये एक जंग का दृश्य दिखाया गया है। इस अलमीरा के पल्लों पे बोध जी दर्शाए गए हैं। ये जो अलमीरा का म्यूज़ियम बना हुआ है, तो ये पल्लों के ऊपर ये एक हमारे गुरुओं की छवि दिखाई गई है। सो मैंने पहली बार कुछ ऐसा देखा कि अलमीरा का म्यूज़ियम हो और उसमें गुरुओं की छवि हो। तो आपको कैसा लगा ये म्यूज़ियम, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं हूँ बैंकॉक थाईलैंड, धन्यवाद।